शिवम शिवम। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि 4 नवंबर साल 2021 दिवाली है, तो उस दिन मेष राशि के जातकों को और वृषभ राशि के जातकों को क्या करना चाहिए कि पूरा साल जो है वो अच्छा जाए। बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट आप shivago.com या omja.com से प्राप्त कर सकते हैं। omja.com भी हमारा ही है, shivago.com भी हमारा ही है। omja.com पे सामानों की लिस्ट लंबी है, आपके पास चॉइसेस होंगे, आप वहाँ भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, मेष राशि वाले जातक हम सबसे पहले आपको ही बताते हैं। देखिए, मेष राशि के जातक आप एक काम कीजिएगा दीपावली की रात को, इससे अच्छा ही होगा आपका, हमेशा धन में वृद्धि होगी, आकस्मिक धन हानि से आप बचोगे। उसमें आपको लाल चंदन और केसर घिसकर उससे रंगा हुआ सफ़ेद कपड़ा अपने गले अथवा तिजोरी में रखिए, जहाँ पे आप धन रखते हो वहाँ पर यदि आप बिछा देते हैं तो उससे आपकी समृद्धि और धन दोनों में ही हमेशा वृद्धि होती रहेगी तथा आकस्मिक धन हानि का खतरा बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा उपाय जो मेष राशि वाले कर सकते वो ये है कि रंगीन कंबल और गर्म कपड़े का आप दान करें, क्योंकि उस वक्त ठंड का मौसम शुरू हो जाता है। कुत्तों को इमरती खिलाएं, नेत्रत्य कोण में सरसों का दीपक रात भर जलाइए, गणेश जी को बूंदे के लड्डू चढ़ाइए। उसके बाद दीपावली की शाम घर के मुख्य दरवाजे पर तेल का दीपक जलाएं तथा उस दीपक में 2 काली गुंजा डाल दीजिए। साल भर आपको आर्थिक रूप से परेशानी नहीं होगी, आपका रुका हुआ धन भी बहुत जल्दी मिल जाएगा यदि आपने कहीं कर्ज दे रखा है तो। मेष राशि के लोग दीपावली की रात स्फटिक या कमलगट्टी की माला से मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम ऐं क्लीं सौं। क्या होगा मंत्र? ओम ऐं क्लीं सौं। धन संबंधी जो परेशानियां बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हो तो दिवाली के दिन सुबह करना आपको, सुबह घर में स्थित पूजा घर की दीवार पर आप लाल रंग लगाइए और इसी के साथ लाल रंग के वस्त्र में कमलगट्टी की माला रखकर घर की तिजोरी या अलमारी में आप रख दीजिए। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातक मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि आपको सारे उपाय करने हैं, चाहे मेष राशि हो या कोई भी राशि हो, आपकी मर्जी, आप एक दो उपाय कर लीजिए। आप 5 पीपल के पत्तों को साफ पानी में धोकर इस पर पीला चंदन लगाइए और फिर किसी नदी में बहा दीजिए। यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो 2 घी के दीपक कहीं एकांत में जलाकर आप वापस आ जाइए। यदि आपका खर्च रुकने का नाम ही नहीं ले रहा हो, बहुत पैसा कमाने के बावजूद, तो फिर दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के साथ साथ कमल के फूल की आप पूजा कीजिए तथा बाद में इस फूल को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान या तिजोरी के लॉकर में आप रख दीजिए। हनुमान जी को आप गुड़ और चना चढ़ा सकते हैं वृषभ राशि के जातक। बच्चों को रेवड़ियाँ बांटें। दक्षिण दिशा में तिल के तेल का दीपक जलाइए, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद एक उपाय आप और कर सकते हैं, दीपावली की रात गाय के घी को 2 दीपक जलाइए और उन्हें किसी एकांत स्थान पर अपनी मनोकामना बताते हुए आप रखाएं। शीघ्र ही आपकी हर मनोकामना पूरी होने के योग बनने लगेंगे। वृषभ राशि के लोग उस दिन चाहें तो आप 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हो, लक्ष्मी का प्रतीक होता है। अस्फटिक या कमलगट्टी की माला से फिर आप मंत्र जाप कर सकते हो, ओम ऐं क्लीं श्रीं, ओम ऐं क्लीं श्रीं। आप ये मंत्र का जाप कीजिए, इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। मेष राशि के जातक 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।